आदित्य दीजिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग। आप इन बच्चों के साथ? बहुत दिनों में मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की। अच्छा अच्छा। एक्चुअली हर आदमी को एक घंटा ग्राउंड पर बिताना चाहिए। अब रोज सुबह सुबह कॉलेज आते वक्त भीड़ में रास्ते में अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, और फिर कौन सा ही सुबह में खेल कर मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है। अब यही बच्चे कल के स्पोर्ट्स स्टार बनेंगे। अच्छा अच्छा लगता है खेलते हुए देखकर, है ना? ऑप्टिमिज्म तो कूट कूट कर भरा हुआ है आपके अंदर, मगर मैं सपने नहीं देखता। ये क्या बनेंगे स्पोर्ट्स स्टार? पेसिमिज्म तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है गुप्ता जी। अच्छा क्यों ही बन सकती है ये लोग सचिन तेंदुलकर या एंड पीस? ऐसा क्या है, वो भी तो हमारे देश के बच्चे हैं, है नहीं? हाँ, एक दो लक बाय चांस। आपको पता है दूसरे देशों में बच्चे 3-4 साल की उम्र से ही ओलंपिक की तैयारी शुरू कर देते हैं और 20-22 साल की उम्र में चैंपियन रिटायर हो जाते हैं। वहाँ पर ये नादिया, स्टेफी ग्राफ, मार्टिना हिंगिस 16-17 साल की उम्र में चैंपियन बन जाते हैं, मगर हमारे यहाँ ये बच्चे 22 साल की उम्र में सोचना शुरू करते हैं कि दरअसल जिंदगी में उन्हें करना क्या है। पॉइंट तो सही है, लेकिन गुप्ता जी इसमें इन बच्चों का क्या दोष है? हमारे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है, खाना पीना, स्कूल का खर्चा, इसके बाद कितने घरों में पैसे बचते हैं बच्चों को स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए। फिर इन्हीं में से कोई सचिन तेंदुलकर हुआ, कोई लिएंडर पेस हुआ, हमें तो इन्हें पहचानना है, इनको सुविधाएं देनी है, इन पर मेहनत करनी है। हमारे देश में तो सुविधा है स्पोर्ट्समैन को तब मिलती है जब वो स्पोर्ट्समैन बन चुका होता है, लेकिन हमें इसके लिए मेहनत करनी होगी, तभी तो हम चैंपियंस पैदा कर सकते हैं, नहीं तो फिर कहाँ से पैदा करेंगे हम कार्ल लुईस? ये सब बहाने हैं अनिरुद्ध जी, दरअसल कमी है विनर्स इंस्टिंक्ट की। इन्हें तो ये भी नहीं पता होता है कि ये कॉलेज क्यों आते हैं, घर वाले भेज देते हैं, चले आते हैं बस। एनीवे चलिए। और इन्हें देखिए, आइए पूछते हैं इनसे। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। वीके भाई, पता है तुम लोगों को आगे चल करके क्या करना है? क्या हो गया सर? देखा, इन्हें पता ही नहीं है। ओके, बाय, सी यू। बस तो पता है तुम्हें जिंदगी में आगे क्या करना है? नहीं, लेकिन मुझे पता है। आओ कैंटीन चलकर चाय पीते हैं, कम। ओके। जा। मैं तो सोनम को खूब पढ़ाना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, उसके बाद सोचेंगे शादी की। हमने कौन सी उससे नौकरी करवानी है? चकमोहन, आज के जमाने में हर औरत का अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब सोनम के डैडी की डेथ हुई थी, उस दिन से लेकर जिस दिन हम दोनों ने शादी का फैसला किया उस दिन तक के वो 6 लंबे साल, आई नेवर फॉरगेट। ना कोई रिश्तेदार काम आया था, ना कोई दोस्त। काम आई थी तो सिर्फ मेरी पढ़ाई और मेरी नौकरी, उसी के सहारे मैंने सोनम को और अपने आप को संभाला था। तुम क्यों बीते हुए दिनों को बार बार याद करती हो? अब तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है हमारा। लेकिन सोनम बहुत चंचल है, इनोसेंट है, पढ़ेगी, नौकरी करेगी तो इसी बहाने बाहर की दुनिया को देखेगी। हम दोनों भी तो एक ही दफ्तर में काम करते थे, इसी तरह सोनम को और मुझे सहारा मिल गया। वो सिर्फ सहारा ही नहीं था, कहीं चाहत भी थी। या कहीं समझौता? सोनम को एक पिता की जरूरत थी और रुशाली को एक माँ की, और कहीं हम दोनों को एक दूसरे के। अनीता, जरूरी तो नहीं है जो तुम्हारा अतीत रहा है वही सोनम का भविष्य हो जाए। लेकिन मैं सोनम की जिंदगी को लेकर कोई भी गलत फैसला नहीं करना चाहती। माफ करना जगमोहन, पर आज के जमाने में औरत का असली सहारा उसका सिंदूर नहीं, उसकी अपनी कमाई होता है। सोनम पढ़ेगी,
खूब पढ़ेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी। मैं माँ बनना चाहती हूँ। What? हाँ। सोनम, हम अपने करियर्स की बात कर रहे हैं। करियर्स की। क्यों? एक अच्छी माँ बनना, एक अच्छी बीवी बनना, अपना घर बनाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना, क्या ये किसी का करियर नहीं हो सकता? मुझे नहीं पता था तुम इतने पुराने ख्यालों की लड़की हो। No, Jatin, it is absolutely a new thought. एक housewife बनना कौन सा new thought है सोनम? नया है। अपनी मर्जी से housewife बनना एक नया thought है। आज तक लोग housewife को इतनी गलत नजर से देखते आ रहे। मैं समझती हूँ कि it is just like any other job, जैसे कोई कंपनी में या बैंक में। In fact, you know, it is more difficult. मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितनी लड़कियाँ इसमें सक्सेसफुल होती है, क्योंकि तुम्हें अजीब सा नहीं लगता? लगता है, क्योंकि इसमें ना इज्जत है ना सम्मान। You know, everybody takes you for granted. एक housewife को ना सिर्फ इज्जत और सम्मान मिलनी चाहिए, बल्कि उसे तनख्वाह भी मिलनी चाहिए, जैसे और जॉब्स में मिलती है। मैं समझती हूँ कि ये उनका हक है और मैं उसके लिए लड़ूंगी। सोनम, तुम जब भी कोई बात करती हो ना, लड़ाई झगड़े तक ले ही जाती हो। इसीलिए मुझे लगता है कि तुमको मिलिट्री में होना चाहिए, वही जॉब तुम्हारे लिए सही रहेगी। Why, Jatin? Sir, I think the thoughts are ridiculous and baseless. Why ridiculous and baseless? No, she has a point. अच्छा, तो तुम बता, तुम क्या बनना चाहते हो? तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ भी बन सकता हूँ, तुम्हारा पति छोड़कर। Jatin, नहीं तो मुझे तुमको तनख्वाह देनी पड़ेगी housewife बनने के लिए। Ridiculous, sir. पर मैं डैडी के साथ बिजनेस करना नहीं चाहता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। फिल्म स्टार नहीं, एक्टर, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा है। बहुत सारा पैसा तो मैं डैडी के साथ बिजनेस में भी कमा सकता था सर, और अब मुझे लगता है उसकी जरूरत भी नहीं। तो फिर ग्लैमर, शोहरत? मुझे लगता है कि जिस किस्म का एक्टर मैं बनना चाहता हूँ उसमें ग्लैमर है या नहीं, आई डोंट नो। मैं कई बार अपने आप से पूछ चुका हूँ सर कि एक्टर क्यों। मुझे लगता है कि जिंदगी तो सभी जीते हैं, लेकिन जीने के साथ साथ जिंदगी को समझना, उसे जानना, उसे देखना बहुत जरूरी है। और एक्टिंग एक ऐसी चीज है, चीज नहीं, एक ऐसा रास्ता है जो हमें जिंदगी के अलग अलग रूप से, रंग से परिचित करवाता है। अब देखिए ना, आदमी की जिंदगी में कितना उतार चढ़ाव, कितना बदलाव, कितने मोड़ आते हैं। अगर मैं एक्टर बनूंगा तो अलग अलग रोल्स के जरिए, अलग अलग कैरेक्टर्स के जरिए अलग अलग जिंदगियों से वाकिफ हो सकता हूं। एक जिंदगी में कई सारी जिंदगियां जी सकता हूं। अगर मैं ओडिपस का रोल करूंगा तो अपनी ही डेस्टिनी, अपनी ही किस्मत का शिकार बनकर जीऊंगा। अगर मैं हैमलेट का रोल करूंगा तो अपनी विवशता और दुविधा की बलि चढ़ाकर जीऊंगा। अगर मैं इब्सन का पात्र करूंगा तो मैं समाज की धारणाओं से लड़ूंगा। अगर मैं चेकऑफ का प्ले करूंगा तो मैं आत्मग्लानी में जीऊंगा, गिल्ट में जीऊंगा। सर, मैं लिटरेचर के जरिए जिंदगी के बारे में सीखना और जानना चाहता हूँ। मैं थिएटर और लिटरेचर को जोड़ना चाहता हूँ। मैं थिएटर के जरिए लिटरेचर के बारे में और सीखना चाहता हूँ। और पैसा? उतना पैसा तो थिएटर में मिल ही जाता है सर कि दो वक्त की रोटी तो नसीब हो जाए। जतन, अगर मकसद साफ हो तो ज्यादा जरूरत तो पड़ती नहीं है, कम हो जाती है। मेरा मकसद तो एकदम साफ है सर, गिल्ड। अनिता, हम दोनों ने एक साथ एक दफ्तर में इतने साल काम किया है, हम एक दूसरे को कितना अच्छी तरह जानने लग गए थे। मुझे विश्वास हो गया था कि रुशाली की माँ की जगह सिर्फ तुम ले सकती हो। हम दोनों तो शायद अपने अपने पुराने साथी की यादों के सहारे जिंदगी काट भी देते, लेकिन फिर बच्चियों का क्या होता, इसीलिए मैंने उस वक्त हाँ कह दी थी। और आज सोचती हूँ तो लगता है वो कितना सही फैसला था। अनिता, इंसान के पास चाहे और कुछ भी ना हो, अपने लोग होने चाहिए, सर पे छत होनी चाहिए। यही वजह है कि
मैं चाहता हूं मैं अपनी बेटियों को जल्द से जल्द उनके अपने अपने साथी के हाथ सौंप दूं। लेकिन मैं चाहती हूं वो इस साथ को निभाने के काबिल तो बन जाए। सोनम बन सकती है लेकिन रुशाली नहीं। वो आज भी अकेली है, कॉन्फिडेंस की कमी है उसमें। वो सोनम की तरह नहीं है। मुझे बहुत चिंता लगी रहती है उसकी, इसलिए नहीं कि वो मेरी बेटी है बल्कि इसलिए कि वो आज भी एक हिरन की तरह है, सहमी हुई, डरी हुई। उसके लिए तो कोई ऐसा साथी होना चाहिए जो उसका पति भी बने, दोस्त भी और पिता भी। फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी, बेफिक्र हो जाऊंगा मैं। व्हाट, तुम आईपीएस ज्वाइन करना चाहती हो, इंडियन पुलिस सर्विस? तुम जी, क्यों? ये आईपीएस क्यों नहीं ज्वाइन कर सकती? अगर तुम एक्टर बन सकते हो तो ये भी पुलिस ऑफिसर बन सकती है। देखा सर, मैंने कहा था ना आपसे, ये हर बात को झगड़े तक ले ही आती है। शी कैन नेवर बिकम अ हाउसवाइफ, ये मेरा दावा है। हम दोनों बहनें चाहे कुछ भी बने, तुम लाइफ में कभी एक्टर नहीं बन सकते, ये मेरा भी दावा है। प्लीज बोथ ऑफ यू डोंट फाइट। सर हाउ डेयर ही, मेरी बहन पे कैसे हंस सकता है ये? ओके आई एम सॉरी आई लाफ्ड बट ओके। हां हां रुशाली कहो जी। सर मेरा एक सपना है। हाँ हाँ रुशाली कहो। देखो रुशाली, सपने देखने में कोई गुनाह नहीं है, उसे हासिल करने की कोशिश ना करना गुनाह है, अपने आप से नाइंसाफी है। बचपन से मैं बहुत इंस्पायर हूँ लेडी पुलिस ऑफिसर से। हमेशा अपने आप को उस वर्दी में इमेजिन करती हूँ। मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन सर मेरे अंदर कुछ है जो मुझे अंदर ही अंदर रोकता रहता है। मगर माफ करना, मुझे डाउट है कि तुम पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकती। नाउ सोनम प्लीज डोंट फाइट विद मी। देखो जतिन, देखो दुनिया में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारी सोच के बाहर होती हैं। अब तुमने कभी सोचा था कि रुशाली एक साथ चार लाइनें बोल पाएगी? आज रुशाली तुमने चार लाइनें इकट्ठी बोली हैं, चार। खैर आज मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग जानते हैं कि अपनी जिंदगी का आपको क्या करना है। I'm very happy. सर हम बन पाएंगे ना जो हम बनना चाहते हैं? तुम तो जब चाहो बन सकती हो जो तुम बनना चाहती हो। जतिन मुझे नहीं चाहिए। अब ले ना, पी ले। कसम से सोनू मुझे नहीं चाहिए। देख तू रोज की तरह ना करेगी, फिर मम्मी तुझ पे नाराज होगी और तुझसे कुछ कहेगी, फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा और मेरे मम्मी से झगड़ा हो जाएगा, फिर पापा आएंगे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करें, और वो तुझसे कहेंगे बेटे दूध पी ले, और तू ये सब सुनकर चुपचाप दूध पी लेगी ना। तू वो सब होने से पहले दूध पी लेना। तू क्यों इतने लोग इन्वॉल्व करना चाहती है एक ग्लास दूध पीने के लिए? चल पी ले, अब तुझे ही ताकत आएगी इससे। तुझे पता है सोनम, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं तुझ जैसी बन जाऊँ। मेरे जैसी? हाँ क्यों, मैं कैसी हूँ?
तू जैसी है, मुफ्त, सच्ची, कभी कभी झूठी, कभी चालाक, सबको प्यार करने वाली, किसी से भी नहीं डरने वाली, मैं तुझ जैसे बनना चाहती हूँ सोनम। रुशाली, तू ऐसी ही बहुत अच्छी है, शांत, हरदम सच्ची, कभी भी चालाक नहीं, बस प्यारी प्यारी और प्यारी सी। लेकिन इन सब बातों से मैं आईपीएस ऑफिसर तो नहीं बन सकती ना। क्यों? आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या झूठा और चालाक बनना पड़ता है? नहीं, लेकिन हिम्मत और हौसला होना चाहिए। वो सब तुझ में है पागल, तू इतना क्यों डरती है? मुझे देख ना, मुझसे सब डरते हैं, जतिन, संजीव, नहीं संजीव नहीं, वो तो किसी से भी नहीं डरता। पर रुशाली, अब तू डरना छोड़ दे। तूने देखा ना, आज मैंने जतिन को कैसे चुप करवाया, जब वो हंसा कि तू आईपीएस ऑफिसर बनेगी। इसीलिए तो मैं किसी से कहना नहीं चाहती कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ना, सब मुझ पर हंसेंगे, इसीलिए तो मैंने मम्मी पापा को भी नहीं बताया। लेकिन आज जब अनिरुद्ध सर ने पूछा, तो पता नहीं कैसे मैंने बता दिया। एक बात कहूं रुशाली, मैंने तुझसे कभी नहीं कहा और शायद कभी बताती भी नहीं। आज ये बात निकली है तो आज मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि तू आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है। मुझे मालूम नहीं था कि तेरे दिल में ये बात है, पर यूं मानो जैसे अब ये मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, तुझे पुलिस ऑफिसर बनाना। रुशाली, तू पुलिस ऑफिसर बनना, तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। तू ये समझ कि अगर तू जीत गई तो वो मेरी जीत होगी, और अगर तू हार गई या डर के पीछे हट गई तो वो मेरी हार होगी, और इससे मुझे बहुत तकलीफ होगी रुशाली। बनना चाहती है? मैं सचमुच एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ, एक अच्छा घर बनाना चाहती हूँ। रुशाली, आजकल अच्छे घर बचे ही कहाँ हैं? जो हमारे बड़ों ने बनाए थे वो हमने तोड़ दिए और तोड़ते जा रहे हैं। चलो लड़कियों, दूध खत्म हो गया, जल्दी करो। चल अंदर चल के पीते हैं, रात को मम्मी ने कुछ कह दिया तो सारा मूड ऑफ हो जाएगा। ये तू चल, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। आज मेरे विद्यार्थियों ने पहली बार अपने अपने मन की इच्छाओं को मेरे सामने रखा कि वो जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। खासतौर से रुशाली को सुनकर बहुत खुशी हुई कि वो पुलिस अफसर बनना चाहती है, और अगर वो चाहती है तो जरूर बनेगी। इनकी इच्छाएं अब मेरी जिम्मेदारी बन गई है, मेरा मकसद बन गया है।